गाइस, आज आपको विजिट करा रहे हैं रासुल खैमा में कासमी पैलेस, जो कि आपको मालूम होगा कि ये एक हॉन्टेड पैलेस है। ये सन 1980 में शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन हुमैद अल कासमी ने ये लिया था, और तीन मुल्कों से आर्किटेक्ट आए थे इस पैलेस को बनाने के लिए। लेकिन जो पहली दफ़ा वो आए, जब यहाँ पे जब डेकोरेट हो गया, ये कंप्लीट हुआ, जब वो यहाँ पर आए, तो जब वो यहाँ रहे पहले दिन ही, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फ़ौरन ये विला छोड़ के चले गए। देन उसके बाद ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं आता, सब मना है यहाँ पे। लेकिन अभी ये दोबारा ये कंपनी ने परचेज़ किया, एक शेख साहब ने, आई थिंक शेख यासिर नाम है उनका, उन्होंने परचेज़ किया। और ये बता दूँ, ये जब सन 80 में जब उन्होंने लिया था, तो ये 500 मिलियन दरहम का ये प्रॉपर्टी ली थी उन्होंने, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रासुल खैमा में है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अंदर से आज विज़िट करते हैं, कि आज देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें, उनमें क्या चीज़ें मिली थी देखने के लिए। आइए, नहायत ही कुछ अजीब सा ही है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत काम है, और ये तुर्की का आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये बनाया था। बहुत प्यारा, आइए दूसरा देखते हैं। ये देखें, ये फ्रांस है भाई, ये फ्रांस से आया है। गाइज, ये जो उनकी छोटी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक ये है एक्चुअली 30 साल से ये पैलेस बंद था, ठीक है, 30 ईयर्स से ये पैलेस बंद था, 40 ईयर्स से ना, 35 ईयर्स से ये पैलेस बंद था। शेख अब्दुल अज़ीज़ जो कि यहाँ पे रात को एक रात अपनी फैमिली के साथ रुके, और उसके बाद वो यहाँ से सुबह उठ के वहाँ से चले गए, जो कि उन्होंने बोला, उनको पता चला कि उनको असल में जो हिस्ट्री पता चलती है, वो ये पता चलती है कि उन्होंने रात को यहाँ पे कुछ बच्चे खेलते हुए देखे,
ठीक है, उसकी वजह से उनको यहाँ से चले गए थे, उसके बाद बंद हो गए थे, तो अभी किसी ने परचेज़ किया तो उन्होंने ये टूरिस्ट के लिए खोला है। ठीक है, आपको और भी दिखाते हैं, आइए। अच्छा, जैसे ये काफ़ी पुरानी एंटीक चीज़ है, ये कोई कैमरा है, वीडियो कैमरा, अगर दिखा सकें तो इस पर वीडियो बनाते थे मेरे ख्याल में शेख साहब, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन बाकी ये बहुत पुराना कैमरा है कोई। वो कैमरा ही है भाई, है कि हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रात को कोई रुकता है? तुम होता रात को यहाँ पे? तुम ही नहीं होता? माय गॉड, जो कि बहुत प्यारा बना हुआ है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सकें। ये एक गंजा बच्चा है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे इसका जुड़वा भाई भी यहाँ मौजूद है। ये फैमिली रूम है, फैमिली की जो ज्वेलरी होती है सब चीज़ें वो यहाँ पे रखते थे। ये इनका एक रूम है जो फैमिली रूम था, यहाँ पे फर्नीचर इनका रखा हुआ है, और ये फर्नीचर उसी का ही सेम जैसा यहाँ फर्नीचर था जो ख़राब हो गया, सेम वैसे ही फर्नीचर इन्होंने इंपोर्ट किया है जो कि यहाँ रखा है, जिस पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ, सेम ऐसी ही कलर, ऐसी ही इसी फैब्रिक, इसी लकड़ी का ये फर्नीचर है जो आज से 35 साल पहले हुआ करता था यहाँ पे। नहायत ही खूबसूरत फर्नीचर, नहायत ही खूबसूरत विला है ये, लेकिन अब रात को अगर रुकें तो मालूम होगा कि कितना खूबसूरत है। ठीक है, आपको दूसरी जगह दिखाते हैं, आइए। अच्छा, इसके ऊपर एक फ्लोर और भी है, ठीक है, तो आपको वहाँ लेके चलते हैं, दूसरा फ्लोर कैसा है। ये इनका सबसे ऊपर वाला है, वो पोर्शन है जो कि यहाँ पे ये बड़े खूबसूरत यहाँ रखा हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है। आइए आपको दिखाऊँ और। ये शेख साहब की फैमिली मजलिस हॉल है, सारे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, सारे मजलिस हॉल हैं। ये बाहर का व्यू, ये एक और रूम है। हाउ मेनी रूम्स भाई? टोटल 35 रूम्स हैं। ये एक रूम है जो कि बहुत ही कुछ खतरनाक किस्म का लग रहा है मुझे रूम। ये तो यहाँ पे कुछ वाहियात चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ सब ठीक है। ये मेरे ख्याल में बालकनी है बाहर।
ये रखा हुआ है एक पियानो, और आपको मालूम है मेरी उंगलियां जैसे ही पियानो में पड़ती हैं पियानो अपने आप बजना शुरू हो जाता है। ये डायलॉग सुना होगा, ये मेरे ही डायलॉग था। अब आप सुने मैं कैसा बजाता हूँ ज़रा। वो ख़राब हो गया थोड़ा सा बॉस, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको सिखाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे बजाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा म्यूजिक, अच्छा बजा? और क्या तालियां भाई, क्लैपिंग तो कर दो भाई। जो कि आपने देखा, बेहतरीन प्लेयर, पियानो प्लेयर यहाँ मौजूद था आपके पास। वो थोड़ा पियानो से शायद थोड़ा ख़राब है, पुराना है, इसलिए बज नहीं रहा सही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाता हूँ पियानो बजा के। बाकी आपने देखा, ये है कासमी पैलेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर रासुल खेमा में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जो कि 35 ईयर से ये बंद था, क्योंकि शेख कासिम जो हैं वो उसको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने रात को कुछ यहाँ पे देखा था। उसके बाद 35 ईयर यहाँ कोई नहीं आया। अभी जिसने ये परचेज़ किया है उसने इसको रेनोवेट किया दोबारा से, फर्नीचर लाया, सब चीज़ें, सारी चीज़ें इम्पोर्ट करवाई, सेम वैसी ही जैसी उस ज़माने में थी इनके पास, सेम वही चीज़ें। तो अब जाके इन्होंने फिर टिकट लगा के इन्होंने टूरिस्ट के लिए खोल दिया है, ठीक है। और टिकट जो है एक पर हेड जो है वो 75 धरम का है। कोई भी आए विज़िट करे रासुल खेमा में, 75 धरम का टिकट है, जो कि आप आके विज़िट कर सकते हैं। और बहुत ही नाइस, बहुत ही खूबसूरत का काम है, दीवारों पे, वॉल पे, इनकी जो छत पे जो काम हुए हुए, नहायत ही खूबसूरत काम है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ज़रूरी अच्छी वीडियो, लाजमी आई है, लाजमी विज़िट करें कासमी हॉन्टेड पैलेस, राइट। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।